हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है बालूशाही। जैसे कि हमें पता है लॉकडाउन है, हम बाहर जा नहीं सकते, तो क्यों ना हम घर पर ही बालूशाही बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। इसके लिए हम सबसे पहले 100 ग्राम मैदा ले लेते हैं और उसमें एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर मिला देते हैं और उसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। बड़े चम्मच घी मिला देते हैं और उसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। बनाइए मिल्क की मलाई जो होती है उसकी मदद से घी बनाया जाता है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं इसकी वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसका अच्छी तरीके से डो बना लेंगे, इस तरीके से जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंद लेंगे। इस तरीके से हम गूंद लेंगे। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा डो सेट होकर तैयार होता है तब तक हम अपने बालूशाही की चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने 100 ग्राम शुगर ली है। अब इसमें हम 50 ग्राम पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे, यानी शुगर का आधा। आप जितनी चीनी इस्तेमाल करेंगे उसका आधा, उसकी आधी क्वांटिटी में आप पानी इस्तेमाल करना। हमारी सारी शुगर मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर मिला देते हैं। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप उसे रोस्ट करके क्रश कर लीजिएगा और वो डाल दीजिएगा। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर पका लेते हैं। इसमें बबल आ गया है तो अब हम इसे बंद कर देते हैं। हमारी चाशनी रेडी हो गई है। अब हमारा डो रेडी हो गया है। हमें सबसे पहले आटे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। आटे के एक गोले को हम हथेलियों के बीच इस तरीके से गोल कर लेते हैं, ये देखिए, और फिर उसे प्रेस कर देते हैं और अंगूठे की मदद से बीचों बीच एक गड्ढा बना लेते हैं इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल। और फिर हम इसे एक प्लेट में रख देते हैं। इस तरीके से हम सारी बालूशाही बना लेंगे। इसे प्रेस करेंगे, गड्ढा बनाएंगे इसे। हमने गैस पर ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। आप चाहे तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि बालूशाही जब भी बनाएं तो उसकी आंच एकदम धीमी होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से। ऑयल धीमी आंच पर हल्का गर्म हो चुका है। अब उसमें हम बालूशाही डाल देते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि आपकी फ्लेम हमेशा लो होनी चाहिए जब भी आप बालूशाही बनाएं। आपको फ्लेम लो ही रखनी है वरना बालूशाही अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इस वक्त चमचा नहीं हिलाना है। जब बालूशाही थोड़ी सी ऊपर आ जाए तो उस वक्त हम थोड़ा सा चमचा हिलाएंगे और अपने आगे की फ्लेम को थोड़ी बढ़ा देंगे। हमारी बालूशाही अब थोड़ी ऊपर आ चुकी है तो हम हल्की सी फ्लेम को बढ़ा देंगे ताकि ये नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये नीचे से गोल्डन हो चुकी है तो हम इसे पलट देते हैं। ये देखिए बालूशाही दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसे हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इसे हम फौरन निकाल कर चाशनी में डालेंगे। इसे हम डायरेक्ट चाशनी में मिला देंगे। ये ध्यान रखें कि चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए ताकि आपकी बालूशाही चाशनी को एब्जॉर्ब कर सके। इसमें हम सारी बालूशाही डाल देते हैं। हमें बालूशाही को ज़्यादा देर तक चाशनी में नहीं रखनी है। 2 मिनट तक हम इसे एक तरफ से चाशनी में रखेंगे या 2 मिनट बाद हम इसे पलट देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसे पलट देती हूँ इस तरीके से। अब इस तरफ भी हम 2 मिनट के लिए रखेंगे। 4 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएंगी। देखिए 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरीके से। और इसमें दूसरी बालूशाही डाल देते हैं। अब हम इसे पीछे से गार्निश कर लेते हैं।
ताकि हमारी बालूशाही बिल्कुल दुकान जैसी दिखे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आगे भी आप ऐसी इजी और डिलीशियस रेसिपीज देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।